यूनिफॉर्म सिविल कोड यूसीसी की चर्चा जोरा शोरा नाल पूरे देश चल रही है। आम लोग सोच रहे हैं कि जेकर ये लागू होया तो की बदलेगा। इधर सियासतदान अपने दावे च लगे ने। यह गल चल रही है कि मोदी सरकार 2024 दे चोणां तो पहला यूसीसी का मता लिया सकती है, तो इस आम आदमी पार्टी किवें एक वड्डी भूमिका निभाएगी इस बारे समझो। बीजेपी लिए यूसीसी के मते नूं लोकसभा च पास करवाना औखा नहीं रहने वाला, बेहद आसान है क्योंकि इन्हां कोल लोअर हाउस मजोरिटी है। इस लिहाज नाल सब दीआं निगाहां टिकिया ने राज्यसभा ते, जिते बीजेपी ते उस सहयोगियों नूं होर सहयोगियों की जरूरत पै सकती है। आम आदमी पार्टी ने बीजेपी नूं एक वड्डी आस जगाई है। सुनो जरा, पंजाब तो आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संदीप पाठक ही कुछ कह रहे ने। देखिए, सैद्धांतिक रूप से हम यूसीसी का समर्थन करते हैं। आर्टिकल 44, आर्टिकल 44 वो भी ये कहती है कि यूसीसी होनी चाहिए, तो सैद्धांतिक रूप से हम इसका समर्थन करते हैं। लेकिन हमारा ये मानना है कि चूंकि ये मुद्दा कई सारे धर्म और संप्रदायों से जुड़ा हुआ है और हमारा देश एक समूह है कई सारे धर्म और संप्रदायों का, तो सभी से सहमति बनाकर, सभी से चर्चा करके, सभी से डिस्कस करके, चाहे वो राजनीतिक हो, गैर राजनीतिक हो, जनता हो, सबसे डिस्कस करके सहमति बनाकर ही इसको लागू करनी चाहिए। राज्यसभा च 245 सीटां जो फिलहाल 8 खाली ने, यानी कि अपर हाउस च 237 सीटां। बीजेपी नू 119 राज्यसभा मैंबरां दे समर्थन की जरूरत है। बीजेपी दे अपर हाउस च 92 मैंबर ने, एनडीए दे सारे मैंबर मिला के 109 बनते ने, यानी कि बीजेपी नू राज्यसभा च यूसीसी दे लई 10 होर मैंबरां की जरूरत है। न्यूट्रल पार्टीज की गल करिए बीजेपी ते वाईएसआर कांग्रेस दोवां दे 9-9 मैंबर ने। जेकर दोवें बीजेपी नू समर्थन दिंदे ने तां यूसीसी पास करवाउणा बेहद सौखा है, कोई मुश्किल नहीं। पर कुछ रिपोर्ट्स ये कह रही ने कि शायद जगन रेड्डी यूसीसी नू राज्यसभा च सपोर्ट ना करन। फिर जे बीजेडी भी सपोर्ट दिंदी है तां भी एक वोट बीजेपी नू घट पवेगी। इसलिए आम आदमी पार्टी हुक्म दा इक्का साबित होवेगी। आम आदमी पार्टी दीआं राज्यसभा च 10 सीटां ने, 3 दिल्ली ते 7 पंजाब तो। ते इस सिनेरियो च केजरीवाल बीजेपी दे वड्डे मददगार साबित हो सकते ने। वैसे इस तो पहला जम्मू कश्मीर चो जदों धारा 370 हटाउण दा फैसला मोदी सरकार ने लिया सी, उदों भी अरविंद केजरीवाल बाकी पार्टियां नाल वख बीजेपी नूं समर्थन दिंदे नजर आए सी। उन्होंने इसका समर्थन किया। हालांकि ऑर्डिनेंस मुद्दे ते केजरीवाल मोदी सरकार खिलाफ सुप्रीम कोर्ट चले गए ने, इन्हां दी वड्डी लड़ाई चल रही है। पर यूसीसी ते आम आदमी पार्टी दे समर्थन ते रौला पै गया है, खासकर पंजाब च। विरोधी सवाल कर रहे ने। सुखपाल सिंह खहरा ने केजरीवाल नूं छोटा मोदी कह दिता। अकाली दल ने कहा कि यूसीसी घट गिणतियां दे पक्ष दे विच नहीं है। SGPC श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के प्रधान हरजिंदर सिंह धामी ने कहा है कि इस तरह के कानून नाल बहुत सारे सूबाई सभ्याचार प्रभावित होंगे। खालसे की हस्ती आज़ाद है, इस उपर कोई कोड लागू नहीं होंगे क्योंकि खालसे का अपना कोड है। सो लड़ाई पूरी चल रही है, देखना होगा यूसीसी ते मोदी सरकार नू केदा केदा समर्थन मिलता है, अरविंद केजरीवाल किन्ने को मददगार साबित होंदे ने बीजेपी दे लई। बाकी तुसी इस रिपोर्ट बारे की कुछ कहना चाहोगे कमेंट करके जरूर दसो, ते देखदे रहो पंजाब तक। सत श्री अकाल।